जा रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट ब्लॉक के लिए बस्तर की तरफ स्कूल ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों ये देखिए अभी मैं कोटा रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ। अभी हम जाएंगे रायपुर स्टेशन, रायपुर जंक्शन में छत्तीसगढ़ का। उसके बाद निकलेंगे दोस्तों बस्तर, बस्तर में मसूर का ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ हम लोग केसकाल जाएंगे, कोटा गाँव जाएंगे, बनाडीला में। वहाँ आपको दिखाएंगे दोस्तों कि क्या क्या वहाँ अच्छा है। नारायणपुर में बताएंगे बस्तर का सबसे अच्छा जाति प्रजाति, वहाँ का नाच गाना सब चीज़ बताएंगे दोस्तों। मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए तीन से दो से तीन इंच का हम लोग कटिंग करेंगे। कौन से मशरूम के लिए आप काट रहे हो मैडम, क्या कर रहे हैं? मेरे को शर्म लगना चाहिए उल्टा। मास्टर मशरूम के लिए यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, तो बस्तर क्षेत्र में हम लोग आए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं उनके भाषा में कि ये मशरूम का कटिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं लोग। बताइए मैम आप क्या कर रहे हो? कुक पंडलाई पीर का दिया तोरो। देख के बोलो ना। कुक पंडलाई पीर का दिया तोरो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बताओ ना। मशरूम बनाने के लिए पैरा को काट रहे हैं। पैरा को काट रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा काट रहे हैं बताओ तो, कितना इंच का है? दो इंच का होगा। दो से तीन इंच का होगा ना। हाँ चलो ठीक है। क्रिश्चियन कौन कौन मानते हैं? क्रिश्चियन मानते हो? नहीं, बन रहा है चर्च वाले बोला। आइए दोस्तों हम लोग ऑयस्टर मशरूम का जो बैग बनाएंगे उसको कैसे लटकाएंगे, उसका लटकाने का तरीका हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये दूरी नाप लेना है इससे, उसके बाद रस्सी नापने के लिए। रस्सी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, ऐसे नाप का इसको डबल कर लेंगे बस, काटने का दो। फिर इसको डबल कर लेंगे, ये इसको फिर काट लेंगे ऐसे, बीच को पकड़ के रख रहा है ना, वरना फंस जाएगा। इसको पकड़ ही रहना, थोड़ा रस्सी पतला है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। ऐसे सब रस्सी को पकड़ के इसमें फंसा देना। ये रस्सी बन के तैयार हो गया, उसको लाओ ना। चलो स्टार्ट कर दो ना। ये ऐसे करके कड़ा अच्छे से बांध लेंगे। ये चारों तरफ से वैसे ही बांध लेंगे अच्छा से। अच्छे से देख लो ना, आप ही लोग को बनाना है। ये देखो हम लोग का बनकर तैयार हो गया, बराबर रहना चाहिए इसमें रखेंगे हम लोग। ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया, अब आप लोग भी बनाओ। तो
आइए दोस्तों, हम लोग बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिला के ब्रेहबेड़ा पंचायत में हम लोग ऑयस्टर मशरूम का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऑयस्टर मशरूम के ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को जो हम लोग का पुआल को कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को पुआल को कीटाणु रहित करने के लिए कुछ केमिकल हम लोग डालते हैं। बिना केमिकल का भी कर सकते हो, लेकिन बिना केमिकल का थोड़ा मुश्किल होता है, गर्म पानी में हम लोग को करना पड़ता है। तो गर्म पानी के लिए हम लोग का बर्तन जुगाड़ नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। ये हम लोग का साफ सुथरा सुनहरा दिखने वाला हम लोग पुआल ले लेते हैं, या पैरा ले लेते हैं, या कुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। बिना भीगा हुआ लेना, हम लोग को काला नहीं दिखना चाहिए। जैसे हम लोग का सुनहरा पूरा दिख रहा है ना, साफ सुथरा, ऐसे हम लोग का पुआल लेना है, काला नहीं होना चाहिए और पानी में नहीं भीगा रहना चाहिए। इसमें हम लोग को साफ सुथरा तो दिख रहा है हम लोग की आँख से, लेकिन इसमें छोटा छोटा जीवाणु कीटाणु होगा जो हम लोग की आँख से नहीं दिख पा रहा है। इसको हम लोग को मारने के लिए हम लोग केमिकल का यूज़ करेंगे, और भिगाना भी पड़ता है हम लोग को इसको। तो इसको मारने के लिए हम लोग ये बावस्टीन पाउडर है, ये बावस्टीन पाउडर को 200 लीटर के पानी में 10 ग्राम डालना पड़ता है। ये हम लोग का लगभग 5 ग्राम का ढक्कन है, ये हम लोग का लगभग 5 ग्राम का ढक्कन है, तो दो ढक्कन डालेंगे इसको। ये बावस्टीन पाउडर है, लेकिन 250 लीटर के हम लोग का डिब्बा में हम लोग का 10 ग्राम डालना है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग का ये 500 लीटर का डिब्बा है, ये 500 लीटर का डिब्बा है, तो हम लोग को कितना डालेंगे 10 ग्राम के हिसाब से? 25 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम 400 लीटर में और 5 ग्राम 100 लीटर में, तो 500 लीटर का हो जाएगा। ये हम लोग का 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये हम लोग का 5 बार, ये हम लोग का 500 लीटर के लिए हो गया 25 ग्राम। अब इसके बाद ये फॉर्मलिन है जो पुआल के अंदर में जीवाणु कीटाणु जो अंडे दिए रहते हैं ना, उसको मारने के लिए इसको यूज़ करते हैं फॉर्मलिन को। इसको हम लोग का 200 लीटर के डिब्बा में 250 ml डालना है, तो 500 लीटर डिब्बा है तो कितना ml लगेगा? 400 लीटर में हम लोग का ये आधा 500 ml हो गया, और 250 ml और 750 ml डालना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 250 लीटर का है डिब्बा, इसको पूरा डाल देंगे। ये 250 लीटर हो गया हम लोग का, ये भी हम लोग का 250 लीटर है, ये इसको भी डाल दिए पूरा, हम लोग का कितना हो गया? 500 ml हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये हम लोग का 150, ठीक है, 500 लीटर के लिए हम लोग का। अभी इस घोल को हम लोग को अच्छे से घोल लेना है, काट को लकड़ी लाओ ना। है कल हम लोग कुट्टी को भिगाए थे, आज हम लोग कल का हम लोग बना चुके हैं, तो आज हम लोग का थोड़ा सा बच्चा था, तो इन लोग तो बनाना सीख गए हैं। तो आप लोग को भी हम मशरूम कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, पूरा बता देते हैं। तो हम लोग कल पूरा भिगा चुके थे कुट्टी को, जो भी प्रक्रिया है वो कल आप लोग सीख चुके हो। चलिए आप लोग पैकिंग करने के लिए, मशरूम का बैग बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेलिन के 2% घोल में हम लोग सबसे पहले पैकिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल के सभी लोग हाथ धो लेंगे, सभी लोग हाथ धो लीजिए, और ये वाले कपड़ा को भिगा कर इसमें पूरा पानी निकाल कर, जो भी हम लोग बर्तन लेंगे, पास आ जाओ, जो भी हम लोग बर्तन लेंगे उसको अच्छे से इस वाले कपड़े से हाथ धो लेंगे। ये सब लोग हाथ धो लीजिए, जो भी बर्तन लेंगे उसको भी हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि जो भी जीवाणु कीटाणु रहेगा, क्योंकि हम लोग कुर्ती को तो जीवाणु रहित कर लिए हैं, लेकिन इसमें भी अगर जो भी कीटाणु जीवाणु होगा तो हम लोग का मशरूम में बीमारी लगने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जितना भी हम लोग सावधानी रख सकें। ये हम लोग इसको भी साफ कर लिए हैं, प्लास्टिक में भी फैक्ट्री में बनते समय कुछ केमिकल मिलाया जाता है, तो उसको भी हम लोग साफ कर लेते हैं, वो हम लोग के मशरूम के लिए हानिकारक हो सकता है। ये साफ कर लिए, दोनों तरफ को हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे। ये हम लोग का दोनों तरफ साफ हो गया,
ये हम लोग का प्लास्टिक तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग कैल्शियम पाउडर मिला लेंगे। इसको मिलाओ ना। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का ये बीज है, इसको हम लोग सीड बोलते हैं। इसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं बीज को। ये हम लोग का गेहूं के बीज से बना रहता है। ये देखिए हम लोग को ऐसी साफ सुथरा और पूरा व्हाइट दिखने वाला पूरा फैला हुआ हम लोग को बीज को लेना है। और इसमें कहीं पर भी हम लोग का ग्रीन धब्बा और काला धब्बा नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिखेगा तो उस हम लोग को बीज को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मशरूम बैग खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग का साफ सुथरा बीज लेना है ऐसा प्रकार का। उसके बाद ये हम लोग साफ कर लिए हैं बर्तन को। ये हम लोग फाड़ लेंगे ऐसे करके। ये दोस्तों हम लोग का जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यही हम लोग का बीज है, बाकी ये गेहूं का बीज है ना। ये जो व्हाइट दिख रहा है वही हम लोग का मशरूम का फंगस है। इसको हम लोग को ऐसे करके मसलना नहीं है, मसलेंगे तो हम लोग का बीज खराब हो जाएगा और हम लोग का मशरूम अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा रगड़ना नहीं है, इसको आराम से तोड़ना है। ज़्यादा एकदम दबाना भी नहीं है और रगड़ना भी नहीं है। जो ऊपर में व्हाइट दिख रहा है वही हम लोग का मशरूम का बीज है। एकदम बारीक करने से हम लोग को मतलब नहीं है। आप ये मत सोचना कि बारीक करेंगे तो हम लोग का ज़्यादा बीज बनेगा, ऐसा हम लोग को नहीं सोचना है। ये हम लोग का दबाने में कुछ हम लोग का फंगस खराब हो गया होगा, उसको हम लोग फिर से विकसित करने के लिए ये कैल्शियम पाउडर मिलाए हैं। अच्छे से हम लोग को कैल्शियम पाउडर मिला लेना है। ये हम लोग का बीज तैयार हो गया है मशरूम बैग बनाने के लिए। ये अब हम लोग मशरूम का बैग बनाने के लिए तैयार करते हैं। ये अच्छे से देख लीजिए, इसी प्रकार हम लोग को मशरूम का पैकिंग करना है। ये हम लोग का पुआल इसी प्रकार सुखाना है। हम लोग को दबा के देखेंगे तो इसमें हम लोग का पानी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन हाथ में हम लोग का गीलापन आ रहा है वैसे हम लोग का पैरा को रखना है। ये चार लेयर तक हम लोग का पुआल को रखना है पैरा को। उसके बाद हम लोग को बीच में बीज को डालना है, बीज में नहीं डालना है, साइड साइड में हम लोग का बीज को डालना है। ये देखो हम लोग का तीसरा लेयर बन तैयार हो चुका है। देखो दिख रहा है ये तीसरा लेयर। चार लेयर पांच लेयर तक करना है हम लोग को, कम नहीं करना है एकदम, वरना हम लोग का मशरूम कम निकलेगा। और जितना अधिक ये हम लोग का पैरा रहेगा उतना हम लोग का बड़ा बड़ा मशरूम निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा। तो हम लोग का पैरा को कम ही नहीं करना है और निकालो ना पूरा दूसरा पॉइंट को थोड़ा ना। ये हम लोग का चौथा लेयर तैयार हो गया है। चौथा लेयर में हम लोग को सभी तरफ बीज डाल देना है। Thank you.
बाद आकर अच्छे से हवा इसको इसमें का निकाल लेना है, क्योंकि जितना हम लोग का हवा इसमें से निकलेगा उतना जल्दी हम लोग का मशरूम का जो मैसेलियम रहता है वो फैलेगा। ये हम लोग का पैरा पैकिंग हो चुका है, बैग बन चुका है, लेकिन इसमें अब एक भी हवा नहीं है तो हम लोग का पैरा इसमें गीला है अभी, तो इसमें अब हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसको हम लोग बाहर निकालने के लिए, और जो हम लोग छेद करेंगे उसी में से हम लोग का मशरूम निकलेगा। दोनों के लिए हम लोग का होता है, अगर छेद नहीं करेंगे तो हम लोग का जो मशरूम का फंगस है वो हम लोग का ख़राब हो जाएगा और मशरूम बीज भी हम लोग का ख़राब हो जाएगा, तो पूरा बैग हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग छेद करेंगे, एकदम ज़्यादा भी छेद नहीं करना है, ऊपर में हम लोग को छेद करना है। भी छेद कर लेना है चाहे ये हम लोग का छेद हो गया है। ये बैग हम लोग का पूरा तैयार हो चुका है, इसको हम लोग 15 दिन के लिए हम लोग को अंधेरे कमरे में रखना है, और 15 दिन बाद हम लोग का जब ये पूरा व्हाइट हो जाएगा, पूरा पैसेलियम इसमें फैल जाएगा, पूरा जकड़ लेगा, तो उसके बाद हम लोग को 1 से 2 घंटे के लिए खिड़की दरवाजा को खोल के रखना है। उसके बाद हम लोग का 20-25 से 30 दिन में हम लोग का मशरूम निकलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से हम लोग मशरूम बैग को बनाकर हम लोग ऐसे लटका देंगे। ये हम लोग मशरूम शेड में आ चुके हैं, ये हम लोग का कल का मशरूम है, और इसमें देखिए सब तरफ हम लोग का पूरा भाप हो चुका है, पानी आ चुका है पूरा, तो हम लोग इसी प्रकार से रखना है और सेट को हम लोग साफ सफाई करते रहना है। अगर गर्मी होगा तो हम लोग को नीचे में रेत बिछाकर पानी छिड़क देना है, जिससे हम लोग का ठंडा बना रहेगा, और चारों तरफ हम लोग का बोरी या नेट का जैसा भी आप लोग के पास सुविधा हो वैसा आप लोग लटका दीजिएगा, और सब तरफ पानी छींच दीजिएगा अगर गर्मी ज़्यादा हो तो। हम लोग का इसको हम लोग का जो भी जाला माटा इधर होते रहेगा उसको हम लोग को साफ सफाई रखना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग का 25 से 30 दिन में हम लोग का मशरूम बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग आप लोग को 7वां दिन में 15 दिन में 20 दिन में हम लोग बताएंगे कि कैसा कैसा 10 दिन में 15 दिन में कैसा दिखता है, कैसा होता है, और क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्या बीमारी होता है, सभी को आपको हम लोग बताएंगे दोस्तों, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। ये देखो ऐसा लटकाया जाता है हम लोग का, तो हम लोग 7 से 10 दिन में हम लोग मशरूम को चेक करते रहेंगे कि हम लोग का मशरूम कैसे दिखता है और क्या स्थिति रहता है हम लोग का मशरूम का, तो हम लोग को चेक करते रहना है। ये देख लीजिए हम लोग का 8 से 10 दिन का स्थिति में इस प्रकार से हम लोग का पूरा माइसिलियम बैग में फैल जाता है, और उस स्थिति में हम लोग को कमरे का और खिड़की का दरवाज़ा 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग को खोल देना चाहिए। देखिए दोस्तों, 20 से 22 दिन में हम लोग का छोटा छोटा पिनहेड्स दिखने लगता है, जब ये इस प्रकार से हम लोग का छोटा छोटा पिनहेड्स दिखने लग जाएगा तो हम लोग को नमी का ध्यान रखना है और खिड़की दरवाज़ा को दिन में 2 से 3 घंटा खोल देना है, क्योंकि हम लोग का अंदर से बाहर हवा आदान प्रदान हो सके, इस प्रकार हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग का ये छोटा छोटा पिनहेड्स 3 से 4 दिन में हम लोग का मशरूम बन के तैयार हो जाएगा, तो हम लोग को इसका अच्छे से हम लोग को ख्याल रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम लोग 4 से 5 दिन में आ चुके हैं। हम लोग ये देखिए, हम लोग का मशरूम बहुत ही अच्छा खिल के तैयार हो चुका है। देखिए हम लोग का पूरे बैग में कितना सारा हम लोग का मशरूम है दोस्तों। ये 50 से 60 रुपए हम लोग का खर्च आता है, और देखिए इसमें हम लोग कम से कम 1 से 1.5 किलो का मशरूम निकलेगा दोस्तों, तो 200 से 300 रुपए का हम लोग का पूरा प्रॉफिट होगा। 30 दिन में हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए हम लोग का पूरा बैग में बहुत ही अच्छा खिल के तैयार हुआ है दोस्तों। सभी बैग में देखिए हम लोग का बहुत ही सुंदर हो चुका है हम लोग का। इसको हम लोग तोड़ लेंगे और बाजार में बेचने के लिए तैयार हो चुका है दोस्तों। देखिए
है।